वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और सुबह हो गई है, 5 चला गया है स्कूल, और आज बनने वाला है मटन एंड लिट्टी। मतलब बिहार की फेमस है लिट्टी और मटन। ये नहीं खाया तो क्या खाया। तो मटन जब भी बनता है हम लोग कोशिश करते हैं कि लिट्टी बने, क्योंकि हम लोग को मटन के साथ लिट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर नवरात्रि भी चढ़ने वाला है, तो फिर उधर हम लोग खा नहीं पाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही सोचा कि चलो खा लेते हैं, नहीं तो फिर से 1-2 दिन पहले तो खाते नहीं है। तो इसलिए चलिए बनाते हैं मटन यम्मी यम्मी सा एंड लिट्टी। देखो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, प्याज, दही, लहसुन, धनिया पत्ता, टमाटर, ये सत्तू के लिए है, और ये कुछ खड़े गरम मसाले, और ये पिसे हुए मसाले। तो कुकर हो गया है गरम, इसमें अब हम डाल देंगे तेल। इतना तेल डालेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और इतना काफी है तेल। तो तेल एकदम अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम खड़े गरम मसाले और जो सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ी देर तड़कने के बाद इसमें हमने डाल दिया प्याज, और जो होल गार्लिक था मतलब लहसुन था बड़े वाला, तो उसे डाल देंगे ताकि अच्छे से भून के वो पक जाए। नहीं तो बाद में डालने पर क्या होता है, लहसुन अच्छे से पकता नहीं है। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है। इस वक्त हम हरी मिर्ची, लहसुन और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो डाल देंगे। मतलब जिंजर आपका कुटा हुआ है तो वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास था नहीं तो जो पेस्ट आता है ना मार्केट में रेडीमेड वो डाल दिया मैंने। और इसे थोड़ी देर हम भुनेंगे। तो देखिए ये भुन गया अच्छे से, और अब इसमें हम डाल देंगे मटन। मतलब प्याज उतना मैंने भुना नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा ही भुनने पे ना थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट आता है ना मटन में, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ज़्यादा भून दो तो नॉर्मल सा आता है, पता नहीं चलता। तो मीठा वाला टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्याज भुन मतलब लाल होने में बाकी रहता है तभी डाल देते हैं मटन। और ये गया नमक, स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो उसके हिसाब से। वैसे नमक मैंने थोड़ा मटन को भूनने के बाद डाला, तुरंत मटन डालने के बाद तुरंत नमक नहीं डालते हैं, थोड़ा देर भून लेते हैं, मतलब 10 मिनट तक जो पानी मटन छोड़ता है उसमें मटन थोड़ा पक जाए उसके बाद नमक डालते हैं। तो इधर लग गया है आटा, और इधर बन गया है सत्तू, और मटन उधर बन रहा है। जब तक मटन उधर बन रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ, सत्तू भर के लिट्टी को बना देती हूँ। कुछ लिट्टियाँ मैंने भर ली हैं, और आज हम बनाएंगे अप्पे वाले में, इसे हम गैस पे रख देते हैं। तो देखिए मटन अच्छे से भून गया है, नमक वगैरह डाल दिया था हमने, और अब इसमें हम ये मसाला डाल दे रहे हैं। जो मसाला दही में मैंने फेंट के रखा था, जो पाउडर वाले मसाले थे ना उसको फेंट के रखा था दही में। और जितना मटन भुना नहीं है उससे ज़्यादा तो कुकर भून गया है, लाल लाल सा हो गया एकदम। हो जाता है जैसे होता है ना कि पता ना कैसे मटन को थोड़ा सा भुनो तो ऐसे हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मटन बाद में भुनने के बाद काला काला है। कि जब आप पानी डालोगे ना तो सारे ये जो सटे हुए चिपके हुए सब छूट जाते हैं, और कलर भी अच्छा आता है, उससे कुछ और नहीं होता। तो मटन को इधर बनने देते हैं, जब तक ये बनता है तब तक हम लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये गरम हो गया है स्टैंड, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डालो ही डालो, मन करे तो डालो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा वो कर दो। इससे क्या होता है ना, थोड़ा ये चिकना हो जाता है, लिट्टी उलटने पलटने में ईजी हो जाता है। तो देखिए ये अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपनी जो लिट्टी बनाई हुई है कच्ची वाली सत्तू भर के एक एक करके डाल देंगे। मतलब साइज जितना अप्पे का ये गोल गोल सा है उतना ही लिट्टी का साइज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। और इसे दोनों साइड से पकाना होता है पलट पलट के, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो इसे, छोड़ दोगे तो फिर जल जाएगा, एक साइड का दूसरे साइड का नहीं बनेगा। जो बीच वाले 3 है ना इनको थोड़ा साइड साइड करना पड़ता है, क्योंकि बीच वाले पे ना गैस का जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा लगता है तो जलने जलने से हो जाते हैं, तो थोड़ा साइड में करना पड़ता है हमको। और ऐसे देखिए उलाट उलाट के कैसे पका रहे, जैसे हम लोग अंगारे पे नहीं बनाते वैसे ही इस पे भी बनता है, बस थोड़ा सा इधर उधर करना होता है। और ऐसे ही हम सारी लिट्टी को पलट पलट के पकाते रहेंगे।
और ये बहुत ही टेस्टी बनता है इस पे। और देखिए कैसे सारी, मैं सारी तो नहीं, एक दो लीटी मतलब अच्छे से फटी नहीं है, बट सारी की सारी कितनी अच्छे से फट गई है देखो आप लोग। और इसे थोड़ा देर और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ी देर पकाएंगे ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और देखो बीच वाला कैसे लाल हो गया, साइड साइड वाले अच्छे हैं बट बीच वाले थोड़े से रेड हो गया है। तो लिट्टी हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं एक एक करके, और फिर और जो बाकी के लिट्टी हैं वो डाल देंगे बनने के लिए। और मटन मेरा बन गया है उधर, क्योंकि बाकी जो पानी वगैरह डालना था मैंने डाल दिया, टमाटर वगैरह बचे हुए थे डालना वो डाल दिया, तो मटन बन गया है और अब बस लगेगा खाना। तो ये तैयार हो गई सारी लिट्टियाँ। पार्थ कहाँ? देखेगा तो उस पे जाके बैठ गया। वो डस्टबिन है ना पथू, बोल दिए क्या? बोले हाँ? तूने कहा है? तूने कहा है? कुछ काम आ गया था जल्दी। हाँ आना पड़ेगा कल ही। हाँ स्कूल से और हम लोग जा रहे हैं, मतलब ऐसे हो क्या है, नॉर्मली खाना बन गया था मैं वेट कर रही थी कि गए थे लाने, तो टेस्ट कर चुके हैं, ये बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, देखते हैं कितना टेस्टी है, हमने नहीं करा अभी तो लेके आते हैं इधर से लिट्टी। नवरात्रि, पार्थ कहाँ गया, क्या कर रहे अकेले? अकेले क्या कर रहे? देख तो बहुत अच्छा लग रहा है लिट्टी। लिट्टी देख इस पे पर जिसने दिखा दी, इसमें इसमें दिखाओ। वाह कलर देखो ना, तो दोनों में की आप रे बड़ी पहाड़ी कुकर है भाई। हाँ बेटा, गुड गुड गुड। लहसुन भी पड़ा? हाँ लहसुन डाला था। गुड, इतना भारी कुकर है ना, दिक्कत हो गई। तो ये लग गया हम लोगों की थाली। तो हम दोनों लोग एक ही थाली में खाने बैठ गए हैं, मतलब थाली है बट सोचते हैं क्या नॉनवेज में 10 बर्तन करे तो साइड में करके खा लेते हैं हम, नहीं तो पत्तल वगैरह रहता है तो 2 लगा देते हैं। तो ये बोले कि खा लीजिए लिट्टी है, कोई बात नहीं। हम बोले ठीक है, तो सोचा इनके साथ ही खा लेते हैं। तो हम दोनों लोग साथ में खा रहे हैं और पार्थ अभी आएगा क्योंकि उसे भी लिट्टी बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और आज की लिट्टी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है, अच्छा लग रहा है। तो हमारा लंच हो गया, बहुत टेस्टी था खाना, खा लिया। पार्थ स्कूल से आया है, उसके स्कूल में उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो उसको गिफ्ट मिला है और चॉकलेट मिला था, चॉकलेट खा गया। नहीं पार्थ, चॉकलेट तो ढेर मिला था, तू कह रहा कि एक मिला है। ये मिला है पार्थ के स्कूल से, ठीक है भाई तुम्हारा, ये हम कहाँ कह रहे कि हमारा। ये कौन सा स्टाइल है भाई? देख पार्थ तेरे होमवर्क पे गुड मिला है बाबू को, देखिए देखो बाबू को गुड मिला है, देख ना पार्थ गुड मिला है। इस पे गुड नहीं मिला, जबकि ए तू लिखा है खुद तो इस पे गुड मिलना चाहिए था बट नहीं मिला है, आ इस पे मिला है तेरे को गुड। आज टी बनाएगा बाबू आज। और क्या मिला है आज का होमवर्क? और ये डॉक्टर वाला मिला है, क्या करना है इसको, इसको काउंट करना है। और ये भी मिल गया तेरे को, बास्केटबॉल वाला भी। बाप रे आज तो ढेरे काम मिल गया है पास तेरे को, बाप रे बाप इधर ज़्यादा काम मिल गया है। देखिएगा इसको तो आज ढेरे, आज तो 5 को काम मिल गया है शायद, बाबू को 5 को मिल गया है। हाँ सैटरडे संडे छुट्टी है ना, इसीलिए मिल गया ज़्यादा। आप दिन भर फोने में घुसे रहते हो ना? फोने में हम लोग तो नीचे गए थे, काम कहाँ कर रहे थे, फोने चला रहे होंगे। पार्थ क्या कर रहा है बच्चा? सब निकाल लिया तू, बदमाश है तू तो।
तो हम जा रहे हैं पार्थ का होमवर्क कराने के लिए। बोल रहे हैं मम्मा होमवर्क करूंगा, ये देखो आप लोग, पार्थ ने मेरा पूरा घर गंदा करके रखा है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।